हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनके पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, और एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, कोटा जाए या नहीं। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जो हैं, पीएमटी की तैयारी करने वाले, नीट की प्रिपरेशन करने वाले, वो भी सोचते हैं कि क्या हमें 10th के बाद में कोटा जाना चाहिए, या जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी सोचते हैं कोटा जाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, अगर आप प्रिपेयर हैं मेंटली भी और फिजिकली भी कोटा में रहने के लिए, कोटा में पढ़ने के लिए, तो आपको वो डिसाइड करना चाहिए कि हम हमारे होम टाउन में रहकर स्टडी करें या फिर हम कोटा जाके पढ़ाई करें। बहुत से स्टूडेंटों को मैंने देखा भी है जो आफ्टर टेंथ कोटा गए हैं, बट वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते, सेटल नहीं हो पाते। वहाँ का फूड, जो खाना होता है, घर का खाना घर का होता है, तो वहाँ का खाना उनको सूट नहीं करता है, फिर वो वापस बैक टू होम आ जाते हैं, और वापस घर आके फिर वापस थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं कि हम कोटा गए थे बट हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए, हमें वापस आना पड़ गया, तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मेंटली फिजिकली प्रॉपरली अगर आप प्रिपेयर हैं, इकोनॉमिकली भी, एक इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि पैसा भी बहुत खर्च होता है, वहाँ रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, फिर जो इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे, उनकी फीस वगैरह जो होती हैं, तो उस पर बहुत पैसा खर्च होता है। अगर वहाँ कोई बच्चा जाता है, कोई बॉय हो या गर्ल हो, जो भी बच्चा वहाँ जाता है, तो मैं चाहूँगा कि उनके पेरेंट्स भी उनके साथ वहाँ रहें। पेरेंट्स में अगर मदर रह सकती तो मदर रहें, फादर रह सकते तो फादर रहें, मतलब फैमिली मेंबर वहाँ होना ज़रूरी है, और जहाँ तक फादर मदर रहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे को एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कोटा के अंदर जो बच्चों को डाइवर्ट कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, बच्चा अपने टारगेट से किसी और डायरेक्शन में निकल जाता है, तो वहाँ जाके वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जिस टारगेट से वो आता है वो उसे अचीव नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा ये मानना है, और बहुत से स्टूडेंटों को मैंने देखा है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि या तो आप पूरा 12th यहाँ तक क्लियर करके जाइए, 12th के एग्ज़ाम देके फिर जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत से बच्चे जाते हैं 11th 12th भी करते हैं, स्कूलिंग भी साथ करते हैं और कोचिंग भी साथ करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, कोचिंग और स्कूल दोनों साथ चल नहीं पाता है। इसलिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से अपना 10th का एग्ज़ाम दो, 11th का दो, 12th का दो, अच्छा रिजल्ट आता है, वो अच्छा रिजल्ट बनाइए आपका 12th का बोर्ड का, देन आराम से आप बाहर जाके अगर आप चाहते हो तैयारी करना तो आप तैयारी कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स को भी साथ रखिए ताकि वो आपको सपोर्ट करते रहें, आपको गाइड करते रहें।